हाय फ्रेंड्स, मैं शांत तिवारी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शिनचैन की मौत की कहानी और तो और हिमावर की मौत की कहानी। शिनचैन वो एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ को, अपने फैमिली वालों को हर वक्त परेशान करता था। वो लड़का जो अपनी माँ को हर वक्त डांटने पे मजबूर कर देता था। उस लड़के की कहानी, जो मौत की जिसकी कहानी थी, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। यह मौत की कहानी बहुत ज़्यादा रुनाने वाली थी। एक दिन क्या होता है, मिस्सी अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को और शीरो को लेकर मार्केट जा रही थी। तभी शिनचैन का नज़र जाता है कि हिमावरी एक कार के पीछे जा रही थी, क्योंकि उसने एक लड़का बैठा था। और फिर शिनचैन उसे देखता है और उसके पास देर से भाग के जाता है। और उसने हिमावरी को बचाने के चक्कर में खुद की भी जान दे दी। और तो और ना ही हिमावरी बचा, ना ही शिनचैन बची। दोनों के दोनों साथ ही मर गए। और फिर मिस्सी को बहुत ज़्यादा रोना आया। वो अपने पलों को याद करती थी और वो हर वक्त शिनचैन की फ़ोटो के सामने बैठकर रोने लगती थी। और वो पल याद करती थी और सोचती थी कि एक दिन मेरा बेटा वापस ज़रूर आएगा और वो ज़रूर अपने बेटे से मिलेगी। तो ये थी मेरे प्यारे कार्टून फ्रेंड की कहानी, शिनचैन की कहानी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और शिनचैन के फ्रेंड्स भी के लिए मैंने मौत की कहानी बनाई है, जिसके लिए आपको खाली इस वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी 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 उठिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तो और इस वीडियो को इतने बार सब्सक्राइब कीजिए कि सब लोग दंग रह जाए। और प्लीज़ बेल बटन